तो आपको क्या अंतर लगा अब यो अनुभव किसान को बताओ जी। लगा जी मुझे उसमें जी, या तो जमीन जमाई हमने टेक दी। हाँ जी, वो तो 22वें दिन पोवा निकल कर चलता जमीन में से। ठीक है जी, इसमें 22वें दिन ब्यांत लेकर चली, ट्रिलिंग होगी पूरी। हाँ। अच्छा अच्छा, यो अंतर सबसे ज्यादा लगा। बाकी दूसरा फायदा? बाकी दूसरा फायदा यह है कि वो जो पोरी कटी वो मिल में चली गई। ठीक है जी, आंख हमने ट्रे में रख दी। एक पोर यहाँ लगा दी। हाँ जी, एक यहाँ लगा दी। अच्छा अच्छा, अब यहाँ देखते इतना गैप, एक फुट का दिया, एक फुट। तो ये चार चार गन्ने आपके निकले है ना? चार चार निकले, चार चार देखते हैं। किसी में पांच, किसी में। अच्छा, गोबर की खाद आप जरूर डाल रही है ना? हाँ, किसी में ज्यादा भी निकल रही। ये देख लो जी, कमाल हो गया जी। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच पे, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, ब्रह्मपुर जट भोड़पुर जट गांव में पहुंचे आज। उत्तराखंड का गांव पड़ता है प्रदीप राठी जी के चक पे। तो भाइयों, पिछले साल हमारे चौधरी साहब ने एक अनुभव करा गन्ने की खेती में कि इनके यहाँ बारिश पड़ रही थी और गेहूँ की कटाई के बाद में जो इस सामने आप खेत देख रहे इसमें इन्होंने गन्ने की बुआई करी नए तरीके से। वो तरीका भी पता करेंगे इनसे। और इसी खेत में तीन वेराइटी गन्ने की लग रही है, 15023 और 0238 और 0118। तो सबसे पहले मैं प्रदीप जी से मिलवा दूं, एक बार थोड़ा सा इनका परिचय करवा दूं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, थोड़ा सा तो अपना किसान भाइयों को परिचय करा दो आप। मेरा नाम प्रदीप राठी जी जी, गांव बूढ़पुर जट। हाँ जी, हाँ जी, जिला जी। तो चौधरी साहब, इसमें जो खेत में बताया आपने, इससे पहले गेहूं की फसल थी जी? हाँ जी, गेहूं थे इसमें। अच्छा अच्छा, गेहूं की कटाई लगभग कब हुई? गेहूं की कटाई हुई थी जी इसमें से 25 मार्च और 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को अगेते गेहूं थे वे कट गए थे। ठीक है जी, तो आप जो बता रहे कि तरीका इसमें नया करा गया। नया तरीका ये था जी, इसमें हमने ट्रे में पौध लगा दी थी। वो पौध कब लगाई थी जी? वो भर दी थी जी हमने उसमें 17 मार्च को। 17 मार्च को। अच्छा, बारिश पड़ रही थी। बारिश पड़ रही थी। अच्छा अच्छा, कारण लगा भाई गन्ने में, फागण के गन्ने में तो बारिश होगी। हाँ जी, माव बिगड़ गए। हाँ, गेहूं के माव बिगड़ गया। हाँ, तो पौध तैयार कर लो। अच्छा, पौध तैयार कर लो। तो पौध तैयार, तो कोकोपीट ट्रे में करी आपने? हाँ जी। अच्छा अच्छा, 9000 रूपए की हम कोकोपीट और ट्रे लाए थे। ठीक है जी, मील से ही। हाँ जी, हाँ जी। और फिर हमने उसमें तैयार करी थी, करीब ये मनो उसमें 10000 पोए हमारे तैयार हुए। तैयार हुए जी। और 8 बीघे गन्ना हमने। अच्छा अच्छा, उसमें लगाया 10000 पौध में। 8 बीघे कुछ उसमें 10000। 5 बीघे का जी आपके यहाँ क्या? हमारे यहाँ जी 683 मीटर का। 683 मीटर का। अच्छा जी, तो ये जो आपने फिर गेहूँ की कटाई करके खेत की तैयारी करी। हाँ जी। फिर इसमें खूट पाड़े ट्रंच के, फिर खाद डालना, फिर गोबर की खाद, मतलब सब खेतों में डालो जी। ऐसे ही डालना। अच्छा, जैसे आपने वे कलम तैयार करी जी, पौध जी, पौध लगाने में और वैसे जो हम गन्ना बुआई करे उसमें क्या अंतर आपको लगा लगाने में? अंतर ही हुआ जी, बीज बचा हमारा बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, बीज तो बचा लेकिन लगाने में तो कोई समस्या नहीं आई? लगाने में कोई समस्या नहीं आई, ऐसा पौध निकाल ली। हाँ जी, टेक्की मिट्टी रख दी। हाँ जी, आगे बढ़ गए। नहीं, हमारे यहाँ एक किसान ने ट्रेंच पे नए आए थे जी, नहीम जी की वीडियो आपने देखी होगी। हाँ, उन्होंने क्या करा, प्योत तैयार करी और उन्होंने आलू की बुआई के बाद में ऐसी प्लांटेशन करी। अच्छा। तो उनका गन्ना सूख गया सारा का सारा, फिर हरा हुआ। हमारा नहीं, वो झटका आपके में नहीं आया? ना जी, बिल्कुल नहीं आया। तो उसमें उनकी क्या कमी रही, मतलब जो ऐसी जो मतलब प्योत झटका लेती है फिर? ना जी, बिल्कुल भी झटका नहीं लिया। अच्छा, ऐसी कैसी चली जी? 22वें दिन इसमें किले नीचे से निकलने शुरू हो गए थे। अच्छा, ट्रिलिंग करके निकल गए थे जी 22वें दिन। ठीक। अच्छा, अगर हम गन्ने की बुआई गेहूं कटाई के बाद में ऐसी करते बीज बोते और आपने प्योध लगाई, हाँ जी, तो आपको क्या अंतर लगा अब यो अनुभव किसान को बताओ जी। लगा जी मुझे उसमें जी, या तो जमीन जमाई हमने टेक दी। हाँ जी, वो तो 22वें दिन पोवा निकल कर चलता जमीन में से। ठीक है जी, इसमें 22वें दिन ब्यांत लेकर चली, ट्रिलिंग होगी पूरी। हाँ। अच्छा अच्छा, यो अंतर सबसे ज्यादा लगा। बाकी दूसरा फायदा? बाकी दूसरा फायदा यह है कि वो जो पोरी कटी वो मिल में चली गई। ठीक है जी, आंख हमने ट्रे में रख दी। मात्र ये लगा लो 5 या 6 क्विंटल बीज सारा ही लगा होगा 8 के 8 बीघे में। अच्छा अच्छा, बात करें अगर बुआई की तो उसमें लेबर कितनी लगी होगी जी? लेबर हम घर के थे जी, बच्चे थे तीनों। हाँ जी, और दोनों भाई थे, पांचों जनों ने यो खेत दिन के दिन लगा दिया था। अच्छा, एक दिन में लगा? 4 बीघे। 4 बीघे। हाँ। ट्रेंच में एक बुआई तो आसान हो जाए जी। हाँ, फूड कम रहा है। हाँ। और साथ के साथ पीछे से आपने पानी दिया था जी? जी। और खाद वगैरह डालने का जी? खाद इसमें तो आप जब ही डलवा देता पानी देते ही। अच्छा, क्या क्या डाला था? हाँ जी, और स्प्रे तो हमने इसमें किया इनका जो कंची पकड़ थे। अच्छा अच्छा, तो इसमें अगर जैसे बात आपकी तीनों वैरायटी है, ये सामने 0238 है। हाँ जी। तो भैया देखो, गेहूं की कटाई के बाद का खेत है, अंतर ये दिखाया जा रहा है कि फागण के खेत को फेल कर रहा है। सच्चाई तो ये है कि किसान ने बीज भी बचा लिया और जैसा मैंने इनसे अनुभव बुझा कि बुआई में इन्हें कोई समस्या नहीं आई, नान की पोत सूखी, कुल मिला के संतोष रहे। पोत तो कोई भी पेड़ नहीं सूख गया। तो मतलब यो समझ में आया जी आपके काम? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो आपको फागण में भी यही लगाऊंगा। अच्छा, फागण में ये तैयार करोगे जी? करेंगे बस 5-7 दिन में। अच्छा, आप भरनी शुरू कर दोगे? शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो भाइयों देखो,
ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही कि मैं अभी बता रहा था पिछली वीडियो में कि हमारे चौधरी साहब खेती में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, शौक से अपनी खेती कर रहे। तो देखो प्योद भरनी भी कुछ आदमी ने सोचा क्या बिगाड़ ले लियो, बहुत देंगे नहीं है ना। किसान भी देखो सब तरह की मानसिकता के घेर दो, क्या गन्ने की तो खेती ऐसे कर रहे लोग, ये बीज इतनी जल्दी खत्म थोड़ी हो जाएंगे जो ऐसे किसान ना वो है। हम अब की बार और तीसरी ज्यादा बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तरीका तो आपका सही है, वो रेड रोट भी बाहर काटोगे, काना गंडा भी बाहर काटोगे, सब छाट छूट के बोओगे तो 38 क्या दिक्कत है फिर। हाँ जी, तो भाइयों यही चीज है, किसान को कहीं ना कहीं अपने प्रबंधन में बदलाव करना पड़ेगा और इन चीजों पर छोटी छोटी पे ध्यान करोगे तभी जाके हमारी फसल ठीक हो पाओगी। तो देखो किसान का कितना बढ़िया अनुभव रहा कि उन्होंने अपना घर बैठे ठाली नहीं रहे, प्योद तैयार कर ली, बीज बचा लिया और गन्ना देखो लगभग भैया क्या एवरेज इसका आ जाएगा राठी जी? इसका लगभग ये मान लो जी 1700 ऊपर ऊपर है। 1700 पर गेहूं का खेत 50 का ही लिख रहा है नहीं? तो ये तो 1700 ऊपर जा, 1700 पर जाएगा। खेत भी बढ़िया ही खड़ा जी आपका, ये देख लो भाइयों शानदार खेत खड़ा जी। और इससे आगे वेरायटी 0238 से बाद में दिखाते हैं जो प्योद द्वारा तैयार करे हुआ है नर्सरी इनकी, 15023 और दिखाऊंगे जी आपको, 15023 आगे चल। ये भूड़ की खेती आगे दिखे जी, ये देखो भाइयों बंगर है भूड़, यहाँ भूड़ ज्यादा है जी, ये देखो भाइयों भूड़ में 15023 में है आगे जी। तो जी इसमें जो आप बता रहे थे कि आपने नजदीक ज्यादा रख दी थी, ये समस्या रही 15023 में सबसे बड़ी समस्या आ गई, पता नहीं मुझसे की वजह से होता है, मुझसे की लग रही थी। अच्छा मुझसे की आ गई। हाँ हाँ ये है। तो भाइयों ये इनका 15023 खड़ा, इससे आगे आपको दिखा दे 0118 भी इसी खेत में है, ये देख लो जी ये 0118 हो गया, 0118 बढ़िया चल रहा फिर भी है ना। हाँ जी, तो भाइयों ये देख लो कमाल, प्योद के द्वारा अब की बार में किसान सारा गन्ना लगाऊंगे तो बहुत बढ़िया संतोषजनक इनका काम इन्हें मतलब लगा अपना, और बोई का तरीका भी अच्छा लगा। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।